बच्चों, अब हम उदाहरण 32 पर काम करेंगे। यहाँ भी हमें दो बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा करना है। x वर्ग धन 3x धन 2 और 5x वर्ग धन x धन 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं वैदिक गणित की विधि से इन बीजीय पदों का गुणा। हम इसे इस तरह से लिखें, जिस तरह से हमें पदों का गुणा करना है। सबसे पहले हम यदि यहाँ से हम गिनना शुरू करें और इसको हम पहला दूसरा तीसरा पद कहें, वैसे ये भी पहला दूसरा तीसरा पद कहें, तो हम पहले पद का गुणा करेंगे। पहले पदों का गुणा, यहाँ हमारे पास दो है और एक है, दोनों धनात्मक है, तो हम लिखेंगे धन 2 गुणित धन 1, इसका हमें परिणाम मिलेगा धन 2। उसके बाद हम पहले और दूसरे पदों का गुणा करेंगे, यहाँ भी लिखें हम पहले और दूसरे पदों का गुणा। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3x धन 2 है और यहाँ x धन 1 है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 3x धन 2 और नीचे x धन 1। अब देखिए, आपको मालूम है कि हम इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं, तो हमें मिलेगा 3x गुणित 1 यानि 3x धन x गुणित 2 यानि 2x। आप देख रहे हैं दोनों के बीजी पद एक जैसे हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं, तो हमें मिलेगा 5x। ये हमें दूसरा पद मिला, पहला हमें मिला था धन 2 और अब की बार हमें मिला धन 5x। अब हम पहले दूसरे और तीसरे तीनों पदों का गुणा करेंगे। हम इसे इस तरह से लिखें पहले दूसरे और तीसरे पदों का गुणा, तीसरे पदों का गुणा। यहां पर हम तीनों पदों को एक साथ लिखेंगे, फिर से यहां लिख लें हम x वर्ग धन 3x धन 2 और उसके नीचे हम लिखें 5x वर्ग धन x धन 1। आपको ध्यान है हम इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं, क्या मिलेगा देखिए, x वर्ग गुणित 1 मतलब धन x वर्ग, फिर इन दोनों का गुणा करने पर हमें मिलेगा 3x गुणा x करने पर हमको प्राप्त होगा 3x का वर्ग धन, इन दोनों का गुणा करने पर हमें मिलेगा 5 गुणित 2 यानी 10x का वर्ग। आप इस बात को बहुत गौर से देख सकते हैं कि यहाँ जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमारे सारे बीजी पद x वर्ग और x वर्ग मिल रहे हैं, यहाँ पर बीजी पद x और x मिले थे, तो ये विशेषता है इस तरह के गुणा की। हम इसको ध्यान रखें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 3 13 और 1 14, ये हमें मिल रहा है 14x का वर्ग। अब हम दूसरे और तीसरे पद का गुणा करेंगे। हम बारी बारी दाहिनी तरफ से बाईं ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने पहले पदों का गुणा किया, फिर पहले दूसरे पदों का गुणा किया, फिर पहले दूसरे तीसरे पदों का आपस में गुणा किया, अब हम दूसरे और तीसरे पद का गुणा करने जा रहे हैं। दूसरे और तीसरे पद का गुणा, देखिए हमें मिलेगा x वर्ग और 3x यहाँ ऊपर से मिलेगा x वर्ग धन 3x और नीचे मिलेगा 5x वर्ग धन x, 5x वर्ग धन x। ध्यान रखिए हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। इनका गुणा इससे करेंगे हम x वर्ग का x से, तो हमको मिलेगा x घात 3 धन 3x गुणा 5x वर्ग करने पर हमको मिलेगा 3 गुणित 5 यानी 15 और x गुणित x वर्ग माने x घात 3।
तो हम लिखेंगे 15 एक्स घात 3, ये बराबर हो जाएगा 15 एक्स घात 3 और 1 एक्स घात 3 यानी 16 एक्स घात 3। अब एक पद और हमें बचा हुआ है गुणा करने के लिए, तीसरे पदों का आपस में गुणा करेंगे। हम यहाँ भी लिखें इसको तीसरे पदों का गुणा, तीसरे पदों में हमारे पास x वर्ग है और 5x वर्ग है, x वर्ग और 5x का वर्ग, इन दोनों का आपस में गुणा करें तो हमें मिलेगा 5x घात 4। अब देखिए जब इन पदों को हम गुणा करते हैं इनके अलग अलग सेट बना के, तो हमें 5 अलग अलग घात वाली राशियां मिल रही हैं। यहाँ पर एक्स घात 4 की राशि मिली है, यहाँ एक्स घात 3 की राशि मिली है, यहाँ एक्स घात 2 की राशि मिली है, यहाँ एक्स की घात 1 की राशि मिली है, और यहाँ पर एक स्वतंत्र पद मिला है, माने यहाँ पर एक्स घात 0 है। तो यदि हम इन सबों को एक साथ मिला लें तो हमें अपना परिणाम प्राप्त होता है। हम यहाँ से शुरू करें, सबसे बड़ी घात पहले फिर उससे छोटी घात, तो हम पहले लिखेंगे 5 एक्स घात 4 धन 16 एक्स घात 3 धन 14 एक्स घात 2 धन 5 एक्स धन 2। ये हमें जो परिणाम प्राप्त हुआ वो दिए हुए दोनों व्यंजकों का गुणनफल है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से हमको 5 एक्स घात 4 मिला था, यहाँ हमें मिला था 16 एक्स घात 3, और यहाँ मिला था 14 एक्स घात 2, यहाँ मिला था 5x, और यहाँ हमें मिला था 2। तो इस तरह से हमने इन दो पदों का गुणा किया। आप देख सकते हैं मोटे तौर पर आपने क्या किया, यहाँ तीन पद थे, यहाँ तीन पद थे। हम जब इन्हें ब्रैकेट्स में लिख के गुणा करते हैं तो आपको मालूम है पहले हम एक संख्या लेते हैं, उसका पूरे पदों से गुणा करते हैं, फिर दूसरी संख्या का पूरे पदों के साथ, फिर तीसरी संख्या का पूरे पदों के साथ गुणा करते हैं। यदि इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें तब भी आपको यही करना होगा। यहाँ पर हमने एक व्यवस्था बदली, वो ये कि हम ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जहाँ पर एक प्रकार के घात वाली जो चर राशियाँ हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाए, और उसी के लिए हमने इसे इस तरह के पदों में तोड़ा। पहले हमने केवल पहले पद का पहले पद से गुणा किया, फिर इन दोनों पदों को एक साथ लिया और इस तरह से हमने गुणा किए, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और तीसरी बार हमने क्या किया कि यहाँ पर तीनों पदों को लिया, दोनों तीनों पदों को लिया, और एक्स घात 2 का गुणा हमने किया स्वतंत्र पद से या एक्स घात 0 वाले पद से। यहाँ पर एक्स घात 1 से एक्स घात 1 वाले पद से गुणा किया, और फिर 2 का गुणा किया 5x वर्ग से। तो जितने पद हमें मिले उन सभी में हमको एक्स घात 2 प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, दूसरे तीसरे पदों का आपस में गुणा किया, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ भी हमने उस क्रम को अपनाया कि जो हमें घात मिल रही है वो एक जैसी हो। यहाँ पर आपने x वर्ग का 1 से गुणा किया तो x घात 3 मिला, और यहाँ पर भी हमें x घात 3 का पद मिला, और इन्हें जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ। और अंत में हमने तीसरे पदों का आपस में गुणा किया तो हमें एक ऐसा पद मिला जहाँ पर एक्स घात 4 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि समान घात वाली सारी राशियाँ हमें एक जगह पर मिल जा रही हैं। ये इस विधि की सबसे बड़ी खासियत है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, थोड़े अभ्यास के बाद आप भी इसे बहुत मज़े के साथ कर सकते हैं। तो एक बार कोशिश करके देखिए, आप ज़रूर इसे कर पाएंगे।